हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे हाउ टू मेक फर्की वीडियो एडिट। उसके लिए सबसे पहले विंक ऐप ओपन करो, फिर इमेज क्वालिटी ऑप्शन पे क्लिक करो, देन वो ट्रेड इन्हेंसमेंट करके ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करो, फिर ट्राई नाउ करके अपने को वीडियो चाहिए वो ओपन करो। फिर ये सब थोड़ा टाइम लेता है एंड अब अभी हो गया। ये कंपेयर कर सकते हैं अपन, या यू कैन सी कि डिफरेंस है दोनों में। जूम करके भी देख सकते हो। देखो ऑल्सो नीचे ऑप्शन दिए इनेबल इंटेंसिटी करके, तो वो ऑप्शन पे क्लिक करके अपन इंटेंसिटी को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। वो ये इनेबल होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी इनेबल हो गया है, तो यू कैन सेट द डिग्री फ्रॉम 0 to 100। ये देखो अभी मैंने 100 रखा है तो इतना क्लियर आ रहा है, 0 पे ब्लर, 100 पे क्लियर। और इसके बाद अपन सेव कर सकते हैं, तो सेव करते हैं। अब सेव हो गई है, रेटिंग तो देनी नहीं है। फिर मेथो ऐप ओपन करो, फिर वीडियो एडिटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर वो अभी एडिटेड वीडियो देखनी है वो ओपन करनी है। फिर ओपन करने के बाद वीडियो पे क्लिक करके इमेज क्वालिटी इम्प्रूव करना, उसके लिए इमेज क्वालिटी पे क्लिक करके ओके करना। फिर इमेज क्वालिटी रिपेयर होने के बाद यू कैन चेक कि क्लियर लग रहा है, थोड़ा ब्लर ब्लर लगता है, थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। अगर वो विंक ऐप से अगर जास्ती हो गया तो ये अपन ऑफ भी कर सकते हैं, इस पर करने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी अननेचुरल सा हो जाता है। तो ये हो गया अभी टिक, अभी इनहेंसमेंट चेक बढ़ा सकते हैं अपन 50 करके ठीक। फिर फिल्टर पे जाके मूवी सिलेक्ट करना है, मूवी पे जाके टाइम मैजिक ट्रैवल, मैजिक ट्रैवल के अपन डिग्री सेट करके 70 रखना है ठीक। एंड फिर या थोड़ा सिनेमेटिक सा लुक देगा, फिर सेव कर देना है। क्वालिटी अपन 4K भी रख सकते, 4K 60 FPS या 1080p 60 FPS। अभी तक के लिए मैं 1086 FPS रख रहा हूँ क्योंकि सेव जल्दी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।